नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कल जो ये जून मंथ का एक्सपायर हो रहा है, मंथली एक्सपायरी, तो उस वक्त मार्केट किस तरीके का रिएक्शन करेगा, किस तरीके का मार्केट जो है एक्शन कर सकता है, क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है, वो सब चीज़ों की चर्चा हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कुछ लेवल्स भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो कि आपको याद रखने हैं कल के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती है तो उसका यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने अपने कल वाले निफ्टी व्यू के अंदर क्या बोला था और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। दोस्तों देखो, सबसे पहले ये कल वाला बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू है। मैंने जो व्यू दिया था अपने डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, मैंने कम से कम व्यू दिया था 10,600 का निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का था कि 23,000 कम से कम जा सकता है। और 23,000 से पहले मैंने 22,800 का भी बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का पहला टारगेट दिया था मैंने 10,600 से पहले 10,580 का। इस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हो, और इस डाटा पॉइंट इसको मैंने डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर भी आपको कल डिस्कस किया था। दोस्तों चलो हम पहले चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्शन किया, मार्केट किस तरीके से रहा, क्या नहीं रहा मार्केट के अंदर, हम पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये जहाँ पे जो है निफ्टी फिफ्टी का जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वन डे का ओपन किया हुआ है, तो हम क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ था और कहाँ गया। दोस्तों मेरे को उम्मीद था कि 580 जो तकरीबन ये वाला ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मार्केट छुएगा। हमने 580 का टारगेट कल अपने यहाँ पे लिया भी था अपने बैंक निफ्टी वाले व्यू के वीडियो के अंदर, तो लेकिन हमको नुकसान नहीं हुआ। कैसे नुकसान नहीं हुआ इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमने कल कॉल को होल्ड करके रखा हुआ था उसको हम डेफिनेटली कैरी करके गए थे। हम अपने प्रीमियम मेंबर्स भी यहाँ पे हमारी कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, और मैं खुद करके गया था। डेफिनेटली हमको एक गैप अप मिला आज, क्योंकि बाइंग प्रेशर था कल जब मार्केट क्लोज हुआ था, उसके वजह से मार्केट में गैप अप मिला। गैप अप होने के बाद मार्केट डेफिनेटली ऊपर गया, मार्केट ने एक हाई बनाया। मार्केट का हाई जो है आपको दिख रहा होगा 10,553 का, यहाँ पर 10,552 का है। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 10,580 जाएगा, लेकिन मार्केट अब हमारे हिसाब से सुनो चलेगा, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 10,552 के आसपास से मार्केट ने टर्न लेना शुरू किया। ठीक है, हमको उम्मीद थी कि 580 के आसपास टर्न लेगा, लेकिन 555 के आसपास टर्न लिया, तकरीबन 25 पॉइंट पहले ही टर्न लिया, लेकिन हमारा लेवल के आसपास तक मार्केट गया जो हम लोगों ने डिसाइड किया था अपने कल वाले वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑलवेज़ मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि मैं अपनी वीडियो के अंदर हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर चैनल के नाम से है, इसका जो लिंक है आपको नीचे वीडियो के अंदर मिल जाता है। डेली वीडियो के अंदर जो भी मैं बनाता हूँ, इसके अंदर जिन लोगों ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, उनको एक राइट ट्रेंड और राइट इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट के अंदर जो भी चलती है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया था 10,540 के आसपास, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर एक ऑडियो क्लिप डाला था। मैंने बोला था कि कॉल राइटर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अब सबको कॉल बुलिश नहीं रहना है। मैंने एग्जैक्ट लेवल के ऊपर बता दिया था 540 के आसपास, यहाँ पर जब मार्केट था, कि मार्केट अब रिवर्स लेगा, अब मार्केट में किसी को बुलिश नहीं होना है, अब सबको बियरिश रहना है। और मैंने तकरीबन 12 बजे के आसपास जब मार्केट यहाँ पर था, 12 बजे के आसपास मैंने टारगेट भी दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आज लाइव मार्केट के अंदर अपने लाइव डाटा को चेक करने के बाद टारगेट जो दिए थे हम लोगों ने, कहा था कि 10,300 को कम से कम मार्केट आना चाहिए, और 10,300 मार्केट आया भी।
तो ये सब चीज़ें फ़ायदा आपको करेंगी जब जब आप क्या कहते हैं वीडियो देखते हैं अगर, और वीडियो देखने के बाद जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसका जो लिंक है चैनल का जो टेलीग्राम के ऊपर मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों लाइव मार्केट में डाटा पॉइंट जैसा दिखाता है वैसा ही हम लोग एक्शन करते हैं उसी हिसाब से, और ये जग जाहिर है। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी हैं उनको मैंने बताया था, ऑडियो क्लिप वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे जाके आप खुद चेक कर सकते हो कि लाइव मार्केट में मैंने आप एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर बताया था कि मार्केट यहाँ से 10,300 का सफ़र तय करेगा आज ही, और मार्केट ने वैसे ही किया। मतलब मार्केट आज भी जो है हमारे हिसाब से ही चला, और मार्केट का 10,600 का जो कल का टारगेट था मार्केट ने 10,555 का टारगेट अचीव किया, मात्र 20 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। लेकिन हमको अफसोस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जो कल होल्ड किया था अपना कॉल वो भी आज हमने प्रॉफिट में ही निकाला है, और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे 540 के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी प्रीमियम ग्रुप ने। और वहाँ पे मैंने बताया था, सब लोगों को बताया था, फ्री वालों को भी बताया था कि 10,300 का टारगेट रहेगा और वो अचीव भी हुआ। डेफिनेटली हमने आज ही बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों ने बिल्कुल राइट डायरेक्शन के ऊपर अपना एग्जैक्ट रिवर्सल मार्केट का पकड़ा ऑन द बेसिस ऑफ आवर लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हमने लाइव किया हुआ है डाटा NSE का अपने सिस्टम के ऊपर। वो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसके बेसिस के ऊपर ही हम आपको ट्रेंड बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही आपकी आज की, जो मतलब आज हमने किस तरीके से अपना क्या कहते हैं और काम किया। कुछ लोगों के प्रॉफिट्स भी आए, कुछ लोगों के प्रॉफिट्स आए। ये देखिए ये प्रॉफिट्स थे 17-18 हज़ार का ये प्रॉफिट है, एक ये 14 हज़ार का प्रॉफिट आया। ये सब क्या है प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन किया हुआ जिन लोगों ने उनके प्रॉफिट्स हैं। ठीक है तो ये जनरली आते रहते हैं और हम लोग सही डायरेक्शन में काम करते हैं, इसीलिए हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स जो हैं प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं। तो आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, अपना नाम शेयर कर सकते हो, वहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। उसकी फ़ीस जो है 2,500 रुपये के आसपास होती है मंथली बेसिस के ऊपर, मतलब पूरे मंथ के लिए 2,500 रुपये ही फ़ीस रखी है मैंने, जो कि एक बहुत नॉमिनल चार्ज है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आगे कि आगे मार्केट कैसा रहेगा। कल एक्सपायरी है, कल एक मंथ एंड की एक्सपायरी है, जून मंथ कल क्लोज हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं वनडे का चार्ट जो है मार्केट के अंदर। आप देखिए यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची हुई हैं और ये ट्रेंड लाइन बहुत तरीके से फॉलो की जा रही है मार्केट में निफ्टी के द्वारा। ठीक है, निफ्टी का जो प्राइस है, डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे से बाउंस करता है ऊपर जाता है, ऊपर से बाउंस करता है, यहाँ पर नीचे से बाउंस करता है, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पार्ट को छूता है। वहाँ से टच करने के बाद डेफिनेटली मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर अपर वाली लाइन को छूने के लिए, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर बाउंस लेता है। और आज वही हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास 580 के आसपास इसका रेसिस्टेंस था अपर लाइन का, लेकिन 555 के आसपास यहाँ से टर्न किया और डेफिनेटली वहाँ से भी मार्केट नीचे गिरना शुरू किया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि मार्केट अब एक बेयरिश फेस के अंदर एंटर कर गया है, और ये बेयरिश फेस जो है आपका कहाँ तक रह सकता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है तो वो लेवल याद रखिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट में ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम लोगों ने कुछ पुट्स को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है प्रीमियम ग्रुप्स के मेंबर्स ने और मैंने खुद किया हुआ है, और जो मुझे टारगेट नज़र आते हैं वो कम से कम ये वाला लेवल, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक का टारगेट नज़र आता है, और जो ये लेवल निकल के आते हैं मैं आपको खुद दिखा देता हूँ कि ये जो लेवल हैं, ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये लेवल है कम से कम 9920 का लेवल है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9920 का लेवल। ठीक है जो कि ये इस ट्रेंड लाइन का लोअर पार्ट है जो यहाँ पे टच कर सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि कल ही आ जाए, ये मैंने टारगेट लिया हुआ है फ्राइडे तक का। तो फ्राइडे तक का मुझे टारगेट जो है मेरे लिए खुद के लिए मैंने लिया हुआ है कम से कम 10,000 का, और 10,000 के नीचे का लेवल हमको यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रहा है 9920 का लेवल। ठीक है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब कुछ लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि कल शॉर्ट कवरिंग होगी,
तो दोस्तों पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये बता देता हूँ, शॉर्ट कवरिंग केवल तभी होती है एक्सपायरी वाले दिन जब वहाँ पे क्या कहते हैं शॉर्ट पोजीशंस होती हैं बड़े प्लेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मार्केट जो था एक अपसाइड ट्रेंड के अंदर था पिछले तकरीबन 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यहाँ पर जब शॉर्ट पोजीशंस है ही नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कैसे होगी, ज़रा सोच के देखिए और इस चीज़ को थोड़ा दिमाग से सोचिएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के जो चांस हैं वो बहुत कम हैं। शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं बड़े प्लेयर्स, ऑलरेडी पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर शॉर्ट कवरिंग करने के बाद मार्केट को वो ऊपर के लेवल के ऊपर 10,500 के आसपास ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो है मुझे नहीं लगता कि कल होगी, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर होगी भी, शॉर्ट कवरिंग शुरू भी हुआ तो वो ज़्यादा नहीं होगी, और जो भी रहेगा वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, जो उन्होंने पिछले इस ट्रेंड के अंदर, ये वाला ट्रेंड जो है जहाँ पे मार्केट अपसाइड गया है, तो वहाँ पे अपनी अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ करेंगे। जब मार्केट लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया रहता है, क्योंकि उनके पास अब है क्या, उनके पास आपको समझना पड़ेगा कि उनके पास मार्केट ऊपर लेके गए हैं वो लोग, तो वहाँ पे उनके पास अब क्या है, लॉन्ग पोजीशंस ही ऑन हैंड में हैं। तो वहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उनको भी क्योंकि एक्सपायरी की वजह से जो है क्लोज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जब एक्सपायरी की वजह से वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर जब लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ होंगी वहाँ पे एक्सपायरी की वजह से, तो मार्केट जो है डेफिनेटली नीचे की तरफ ही जाता नज़र आएगा, वहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जाएगा और उनके हाथ में इस वक्त शॉर्ट पोजीशंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे कल के दिन शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन जैसा भी रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट ज़रूर करूंगा लाइव मार्केट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट जाएगा कल के दिन, और जो मेरा टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया। पहला टारगेट 10,300 का ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और 10,300 अचीव होने के बाद अगला लेवल जो है 10,100 का मुझे नज़र आता है, और 10,100 का लेवल अगर टूटता है डेफिनेटली फिर मार्केट में 99,920 का लेवल मुझे निफ्टी के अंदर नज़र आता है कम से कम फ्राइडे तक। ये फ्राइडे का टारगेट है, थर्सडे का टारगेट कल का ये है, और अगर मार्केट इन टारगेट्स में कुछ भी फेरबदल होता है लाइव मार्केट में तो वो मैं आपको बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि कल पोजीशंस एक्सपायर होंगी, पोजीशंस क्लोज भी होंगी, और है क्या कल, कल है वीकली एक्सपायरी नहीं है, याद रखिएगा कल जो है मंथली एक्सपायरी है। तो दोस्तों कल जो है अगर आप ट्रेडिंग से दूर रहना चाहें तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं तो। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग से दूर रहिएगा, ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मंथली क्लोजिंग के अंदर जब पोजीशंस क्लोज होती हैं, पोजीशंस दोनों तरफ बनी होती हैं बड़े प्लेयर्स की, और वो दोनों तरफ की पोजीशंस को क्लोज करेंगे कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो वॉलीटिलिटी क्या होगी, मार्केट इस तरीके से मार्केट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको कल देखने को मिलेगा। वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगी, जिस तरफ भी मार्केट जाएगी स्पीड से जाएगी, आपके प्रीमियम्स और आपके स्टॉप लॉस हिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल मार्केट में न्यू हैं तो आप मार्केट से कल के दिन कम से कम एक दिन जो है वहाँ पर आप ट्रेडिंग मत करिए, और मार्केट डेली ओपन होता है, आप अगले दिन प्रॉफिट कमा लीजिएगा, लेकिन आप अपने कैपिटल को कम से कम दाव पे मत लगाइए मंथली एक्सपायरी के दिन, ठीक है। हाँ, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आराम से मार्केट की सिचुएशन को ट्रैक कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आराम से ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यू मैंने आपको दे दिया, लेवल्स दे दिए आपको, और व्यू दे दिया मैंने कि वहाँ पे ये व्यू है मेरा कि लॉन्ग पोजीशंस जो हैं अनवाइंड होंगी मंथली क्लोजिंग के अंदर, और वहाँ पे डेफिनेटली एक मेरे को बेयरिश संकेत मिल रहा है मार्केट के अंदर। जो कैंडल है यहाँ पे, कैंडल जो है वो भी एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है आज, जो कि एक संकेत है कि मार्केट के अंदर एक शुरुआती संकेत है कि यहाँ पर एक बेयरिशनेस शुरू हो चुकी है, और बेयरिशनेस जो है कम से कम 9900 तक मार्केट को ज़रूर लेके जाएगी अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है।
तो अब हम डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं? डाटा पॉइंट्स हमको ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर ये चार्ट है। इस चार्ट को देखने से पहले दोस्तों हम पहले डेरिवेटिव का डाटा को चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव का डाटा क्या बता रहा है? डेरिवेटिव का डाटा जो है आपको ये बता रहा है कि अब उन्होंने जो यहाँ पे अचानक से धीरे धीरे उन्होंने क्या कहते हैं, जो पिछले पिछले चार दिन से जो उन्होंने कैपिटल को बाई किया था मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, इक्विटी कैश को जब बाई किया था मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, अब उन्होंने वो धीरे धीरे स्लो करना शुरू कर दिया है। तो मतलब उन्होंने अब इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया है बड़े प्लेयर्स ने कि अब वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इसका इंटरेस्ट उन्होंने कम दिखाना शुरू कर दिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो पुरानी कैपिटल बाई की थी ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट लेके जाते हैं और वहाँ पर वो सेल कर देते हैं अपने कैपिटल को। और वो सेल किसको सेल कर रहे हैं? FII वो कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर को सेल, क्योंकि वहाँ पर रिटेल ट्रेडर अब बुलिश हो चुका है और रिटेल ट्रेडर्स पहले बेयरिश था, इसलिए FII को बुलिश होना पड़ा। और FII अब बेयरिश है क्योंकि बुलिश हो चुका है अब रिटेल ट्रेडर। तो हमेशा अगेंस्ट पोजीशंस बनाई जाती हैं FIIs की, और ये डाटा पॉइंट्स हम मुझको बता देते हैं पहले से ही, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब FII बेयरिश है और रिटेल ट्रेडर वहाँ पर बुलिश है, तो मार्केट अगर ऊपर गई भी तो वहाँ पर वो सस्टेन नहीं करेगी मार्केट, वहाँ पर केवल और केवल आपको सेल ऑन हाई करना है। और मार्केट अगर ऊपर गई तो वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, बाय केवल इस वक्त रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं जो कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर केवल और केवल लॉस खाते हैं। तो FII ऊपर मार्केट को लेके जा रहा है, वहाँ पे सेल ऑन हाई कर रहा है FII। तो आपको यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर भी मिलती है एक दो कैंडल जाती हुई तो वहाँ पे केवल और केवल आपको शॉर्ट पोजीशंस ही बनानी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है और इस पैटर्न को, इस चैनल को याद रखिएगा, बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर चर्चा करें तो बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी दोस्तों आज बहुत अच्छा गिरा है, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसा ही ट्रेड, बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक है इन कंपेरिजन टू निफ्टी, पहले से ही हमको दिख रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो NPA का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है? और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी वो पहले से ही बहुत दिनों से रिकवरी के माहौल नहीं बना पाया बैंक निफ्टी। निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवर किया लेकिन बैंक निफ्टी अभी रिकवर करने के मूड में नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो मुझे जो टारगेट नज़र आ रहे हैं बैंक निफ्टी के, वो टारगेट जो है कम से कम, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो टारगेट जो नज़र आ रहा है मुझे कम से कम अगले 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है, वो कम से कम मुझे वो टारगेट यहाँ पे 20,600 का टारगेट मुझे निकल के आ रहा है। यहाँ पर मेरी नज़र के हिसाब से 20,600 या 20,700 के आसपास निकल के आ रहा है टारगेट। अब ये टारगेट कल अचीव होता है या परसों ये तो मार्केट बताएगा, और मेरे हिसाब से कल तक अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही बताऊँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल FII जो है वो बेयरिश हो चुका है, ये लाइव मार्केट में मैंने आपको बता दिया था। FII क्या है यहाँ पे इस वक्त, FII यहाँ पे बेयरिश हो चुका है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उस हिसाब से आप पोजीशन बनाएंगे और ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ताकि आप FII के हिसाब से चलें। मैं FII के हिसाब से ही चलता हूँ, मैं डाटा पॉइंट इनका ट्रैक करता हूँ। FII यहाँ पे बेयरिश है, और रिटेल ट्रेडर दोस्तों यहाँ पर अब बुलिश हो चुका है, और पिछले कुछ दिन से रिटेल ट्रेडर बेयरिश था इसलिए वहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, FII वहाँ पे बुलिश हो गई थी क्योंकि रिटेल ट्रेडर वहाँ पे कुछ दिनों से बेयरिश बैठा हुआ था। लेकिन आज का डाटा के मद्देनज़र रखते हुए आज से ही रिटेल ट्रेडर अब बुलिश बन चुका है। रिटेल ट्रेडर अगर बुलिश बनेगा तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है FII वहाँ पर अपना पोजीशन को बेयरिश बना लेंगे। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको FII के साथ जाना है या रिटेल ट्रेडर के साथ जाना है। मेरा कुछ डाटा पॉइंट्स और मेरा मानना यह है कि FII हमेशा सही होते हैं, रिटेल ट्रेडर हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो मैं डेफिनेटली FIIs को ही फॉलो करता हूं, उनका डाटा मैंने ऑटोमेट किया हुआ है तो मैं FIIs को फॉलो करता हूं। FII अगर बेयरिश है तो मैं भी वहां पे बेयरिश बनूंगा, ये मेरा कंक्लूजन है। गलत भी हो सकता है, आपका व्यू मेरे से डिफर भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, ठीक है दोस्तों? चलो अब मिलते हैं कल
सुबह मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और साथ में मेरा जो चैनल है यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने चैनल के ऊपर, जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पर मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। थैंक यू सो मच।